हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर गेट 2024 के लिए लास्ट ईयर आए हुए जो PYQs हैं गेट के, वो सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे आज जूलॉजी का पार्ट 4 है। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जूलॉजी का जो कोड होता है वो होता है हमारा T। याद रखना है आपको इस चीज को। यहाँ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसाइट्स इज फेगोसाइटिक एंड हैज क्लियर साइटोप्लाज्म। यहाँ क्या है, फेगोसाइटिक का मतलब क्या होता है, इनगल्फ करना या ईट करना किसी भी सेल को। ठीक है, यहाँ क्या करता है फेगोसाइट, ये देखो इसकी स्ट्रक्चर देखो, इस तरह से ये क्या करता है, अपनी स्ट्रक्चर को इस तरह से फोल्ड करता है कि इसके बीच में इस तरह से सेल्स आ जाती है और ये इस तरह से बंद हो जाता है। एंड यहाँ जो भी इसके बीच में फंसता है उसको क्या है, ये खा जाता है, ईट कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा गया है, ल्यूकोसाइट का मतलब होता है WBC। WBC इज ए फेगोसाइटिक एंड क्लियर साइटोप्लाज्म हमारे किस में पाया जाता है, तो वो होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या करता है, कोई भी हमारे इन्फेक्शन होता है बॉडी में तो उन सेल्स को क्या है, ये इनगल्फ करके उनको डाइजेस्ट करने का फंक्शन करती है। मतलब कि हमारी बॉडी को, इम्यून सिस्टम जो होता है उसके ऊपर ये वर्क करती है। कोई भी इन्फेक्शन आता है हमारी बॉडी में बाहर से, जैसे बैक्टीरिया, फंगस या वायरस, किसी ने भी हमारी बॉडी पर अटैक किया तो मोनोसाइट क्या करता है, उन सेल्स को बचा, उन सेल्स को क्या, अपनी स्ट्रक्चर को इस तरह से मोल्ड करता है कि उन सेल्स को अपने अंदर लेता है और उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करता जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारे मोनोसाइट। तो बाकी के ऑप्शंस हमारे कट जाएंगे। ये सारे सेल्स भी क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम पर ही वर्क करती है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मोनोसाइट, क्योंकि फेगोसाइटिक का जो फंक्शन है हमारे ल्यूकोसाइट में, ये मोनोसाइट ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज फॉर डिटेक्टिंग द सब सेलुलर लोकलाइजेशन ऑफ सीरोटोनिन रिसेप्टर इन इंटैक्ट सेल्स। यहाँ क्या है, हमारे सीरोटोनिन जो रिसेप्टर, एक बार मैं बनाऊँ, जैसे कि ये हमारे इंटैक्ट सेल है, इसकी सरफेस के ऊपर क्या है, एक रिसेप्टर लगा हुआ है इस तरह से। यह है रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या करता है, अपने लाइगेंड के लिए वो है, हमें जगह देता है। तो रिसेप्टर किसका है, ये सीरोटोनिन का क्या है, रिसेप्टर। अब रिसेप्टर के पास क्या है, लाइगेंड के बाइंड करने के लिए साइट प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर, यहाँ एक लाइगेंड आकर के बाइंड करेगा, अब वो लाइगेंड क्या होता है, वो होगा हमारे एंटीजन, एंटीबॉडी। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, सीरोटोनिन का रिसेप्टर हमने बना लिया, इंटैक्ट पूरी सेल भी हमने बना ली। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस पर। तो जो एसटीएस पेज जो होता है, यहाँ पर क्या करते हैं हम, डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, इनको साइज एंड मास के बेस पर क्या है, इनको हम सेपरेट करते हैं। तो ये हमारी टेक्निक नहीं होगी। थर्ड टेक्निक है हमारे फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं हम, सेल के डीएनए की जो सिक्वेंस होती है उसका पता लगाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। डिफ्रेंशिएशन कॉन्फ़िगरेशन, इसमें क्या होता है, हम किसी भी चीज को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब है हमारा इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे इंटैक्ट सेल जो है सेरोटोनिन का, उसका पता करते हैं कि हमारे जो रिसेप्टर है पर्टिकुलर, वो सेल के कौन से पार्ट पर डिटैच है। तो यहाँ पर क्या है, हम बाहर से एंटीबॉडी देते हैं, तो एंटीबॉडी जहाँ बाइंड करेगा, क्योंकि एंटीबॉडी अपने रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक होता है, तो जहां पर ये बाइंड करेगा एंटीबॉडी रिसेप्टर से, वही क्या है, उसकी लोकेशन होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस सेल में, कि इस जगह पर ही हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट है, वो लोकेशन हम पता करते हैं। तो इसके लिए जो हमारी टेक्निक है वो है इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। यहाँ क्या है, कुछ हम इन्फ्लोरोसेंस या इल्यूमिनेसेंस ऐसे पार्टिकल्स यहाँ ऐड करते हैं, जिससे कि ये थोड़ा लाइट देते हैं, तो हमें पता लगता है, क्योंकि हम किसी भी सेल में अगर देखेंगे तो नेक डाइस में हम दिखेगा नहीं, अगर वो लोग बाइंड भी कर जाएंगे तो। यहाँ कुछ ऐसी डाइस देते हैं कि वो जैसे ही बाइंड करती है तो अपना कलर देती है। तो इस तरह से यहाँ क्या है, जो भी एंटीबॉडी होती है वो अपने एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती है, तो रिसेप्टर अपने लाइगेंड के लिए स्पेसिफिक होता है। यहाँ जैसे ही बाइंड करता है तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो ये टेक्निक है इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो, उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा वो है कि किस तरह से कौन बाइंड कर रहा है। प्री इम्बेडिंग इम्यूनो गोल्ड मेथड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। यहाँ देखो, हमारे एंटीबॉडी दे रखी है एंड यहाँ पर कुछ लाइगेंड्स दे रखे हैं, वो इसके बाइंड करेंगे स्पेसिफिकली अपने ही रिसेप्टर से, क्या है, लाइगेंड बाइंड करता है।
फिर इस तरह से यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये देखो अपने रिसेप्टर से बाइंड कर रहे हैं, एंड यहाँ पर भी दिया हुआ है कि अपने रिसेप्टर से बाइंड कर रहे हैं, एंड लाइट देते हैं लास्ट में बाइंड करने के बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइट फॉर इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है, जहां प्रेजेंट है कोई भी चीज वहीं पर ही उसको कंजर्व करना, इन सीटू का मतलब ये होता है, और एक्सीटू का मतलब होता है कहीं बाहर ले जाकर के उसको कंजर्व करना। तो एक्सीटू का मतलब होता है कहीं बाहर, यहाँ क्या है हम आर्टिफिशियली कंजर्व करते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म को या प्लांट को, किसी भी चीज को हम ले सकते हैं जिस चीज को हमें कंजर्व करना है। तो यहाँ क्या है जो इन सीटू नहीं है हमें वो पूछा गया, वो है हमारा जूलॉजिकल गार्डन। जूलॉजिकल गार्डन क्या होता है, इसमें आर्टिफिशियली हमारे ऑर्गेनिज्म को क्या है हम कंजर्व करते हैं हमारे अकॉर्डिंग, जैसे कि गार्डन हो गया, एक्वेरियम हो गया, इन चीजों को क्या है हम खुद से हमारे अकॉर्डिंग क्या है इनको कंजर्व करते हैं। जबकि इन सीटू में क्या होता है, जिस लोकेशन पर हमारा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वहीं पर क्या है उसको कंजर्व करना। तो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये सब क्या है हमारे इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर आते हैं। जबकि जूलॉजिकल गार्डन जो होता है वो एक्स सीटू कंजर्वेशन में आता है। तो हमारे यहाँ पर नोट पूछा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीकर्सर मॉलिक्यूल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का हमें यहाँ क्या है प्रीकर्सर मॉलिक्यूल पूछा गया है। अगर हम यहाँ इस पाथवे को देखें तो हमारा इतना ये पूरा बड़ा काम का नहीं है, हमारा यही इतना ही काम का है। कोलेस्ट्रोल लिया, कोलेस्ट्रोल से हमारे क्या बन रहा है, ये बन रहा है प्रिगनेनोलोन बन रहा है, इसके बाद हमारे बन रहा है प्रोजेस्टेरोन बन रहा है, एंड उसके बाद बन रहा है कॉर्टिकोस्टेरॉन, फिर बन रहा है कॉर्टिकोस्टेरॉन, ठीक है। ये 11 डिसऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन बन रहा है, जबकि ये बन रहा है उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉन, और इस तरह से हमारे बन रहा है एंडो स्टीरोन। तो हमारे यहाँ क्या प्रिकर्सर पूछा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड का, तो एंड्रोजन नहीं होगा, एस्ट्रोजन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मिनरेलो कॉर्टिकोइड्स ये भी नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पर जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि हमारे जैसे कि ये हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉन फॉर्म हो रहा है, तो इससे पहले वाला जो भी प्रोसेस होगी, इससे पहले जो भी हमारे यूज में लिए जा रहे हैं हमारे सबस्ट्रेट बोल सकते हैं इनको, उसी को हम क्या प्रीकर्सर बोलेंगे। क्योंकि अगर ये चीज बनी है तो इससे पहले जो भी हम यूज में ले रहे हैं वो उसके लिए क्या है प्रीकर्सर कहलाता है। तो इसके लिए हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, प्रिगनेनोलोन हमारे दिया हुआ है। तो हमारे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाकी के ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका जो हॉर्मोन्स है उस वाले टॉपिक से है ये क्वेश्चन। अब है, ट्रांजिशनल एपिथीलिया इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। ट्रांजिशनल एपिथीलिया का मतलब होता है ऐसी मेम्ब्रेन, ऐसी एक्टोडर्म जो कि अपने अंदर क्या है चेंज कर सकती है, जैसे कि कोई भी स्किन का कोई भी ऐसा पार्ट हो वो सिकुड़ भी सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है एंड रिलैक्सेशन भी फेज में भी जा सकता है। तो यहाँ क्या है वही हमसे पूछा है, ट्रांजिशन का मतलब होता है अपने फेज को चेंज करना। तो हमारे लीवर जो होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, लंग्स में भी नहीं होता है, ब्रेन में भी नहीं होता। जो यूरिनरी ब्लैंडर जो होता है, यूट्रस हुआ, यूरिथ्रा हुआ, ये सब क्या है इनमें क्या है ट्रांजिशनल एपिथीलिया पाई जाती है। तो ये क्या है अपनी शेप को अपने अकॉर्डिंग क्या है चेंज कर सकते हैं। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजुअल सिग्नल ट्रांजक्शन कैस्केड इज एक्टिवेटेड बाय रोडोप्सिन एंड इन्वॉल्व डिक्रिटेशन रेदर द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मैसेंजर। यहाँ पर क्या है हमारे कुछ सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं, CAMP, CGMP, इस तरह से ये क्या है हमारे सेकेंडरी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे डैग, ये भी हमारे सेकेंडरी में ही आता है। तो हमारे यहाँ क्या है जो रोडोप्सिन या विजुअल ट्रांजक्शन जो पाथवे होता है वहां पर हमारे जो सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में जो हमारे फंक्शन करता है वो होता है CGMP, बाकी के हमारे नहीं होंगे। एक बार इस पाथवे को हम समझे, क्या होता है विजुअल ट्रांजिशन में हम हमारे आईज से कैसे दिखते हैं, हमारे आईज में क्या दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, एक तो होती है रोड सेल, उसी लाइन उसी में लिखते हैं एक मिनट, एक होती है हमारी रॉड सेल, हमारी आईज में एक होती है कॉर्न सेल। जो रेड रॉड सेल होती है ये नाइट में हमें देखने के लिए, नाइट में देखने के लिए क्या है हमारे लिए रेस्पॉन्सिबल होती है आईज में। कॉर्न सेल जो होती है ये डे में देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अगर आपको इसको लर्न करना है, रॉड सेल रोड राइट रोड नाइट, ठीक है, या रात रॉड रात, ठीक, इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। एंड कॉर्न का डे हो तो
डिफॉल्ट में हमें याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, ये क्या है, कलरलेस सेल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और ये कलरफुल विजुअल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो यहाँ जो कॉर्न सेल्स होती है ये डे में काम करती है एंड कलरफुल विजुअल हमें देती है, जबकि जो रॉड सेल होती है ये नाइट में हमें दिखाती है एंड नाइट में क्या है, हमें सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देता है, ठीक है। अब इसके बाद है, अब हम चलते हैं, ये है हमारी आंख की पूरी स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये देखो इसमें मेम्ब्रेनियस डिस्क विथ रोडोप्सिन, रोडोप्सिन हमारे यहाँ क्या है, रिसेप्टर होता है। फिर है सिलियरी बॉडी, सेल बॉडी, ये है न्यूक्लियस एंड ट्रांसमिटर वेसिकल्स यहाँ प्रेजेंट होती है, ये देखो रॉड सेल्स प्रेजेंट है, इस तरह से यहाँ पर सिग्नल मिलता है, सिनेप्टिंग एंडिंग्स होती है, इनको सिग्नलिंग मिलती है, वैसे ही पास होती है सिग्नलिंग एंड हमें नाइट में देखना है कि दिन में देखना है उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन करती है, ठीक है। अब ये क्या है, लाइट एनर्जी हमारी आ रही है आंखों की सेल्स पर या रेटिनल पर, ये ऑप्सिन रोडोप्सिन जो होता है ऑप्सिन में कन्वर्ट होता है, इस तरह से हमें दिखाई देता है। यहाँ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं, जैसे लाइट आती है चेंज इन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी में चेंज आता है, एक्शन होता है, एक्शन पोटेंशियल यहाँ क्या है, फंक्शन करता है। अब हमारे कैसे ही वर्क करते हैं, एक बार इस पाथवे को हम देखें, ये दिया हुआ है डार्क का एंड ये दिया हुआ है लाइट का, थोड़ी पिक्चर शायद मुझे लग रहा है क्लियर नहीं है बट आप थोड़ा समझ लेना। यहाँ क्या है, ये रोडोप्सिन, रोडोप्सिन जो हमारा रिसेप्टर होता है वो 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन आप इसको याद रखना, जीपीसीआर जो होता है, जीपीसीआर ये भी हमारे क्या होता है, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन होता है। ये डायरेक्ट इस पर भी क्वेश्चंस गेट में भी और नेट में भी डायरेक्ट आता है कि रोडोप्सिन होता है वो कितना ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन का बना रहता है, वो होता है 7 एंड जीपीसीआर जो होता है ये भी 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन का बना रहता है एंड ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं वो होता है हमारा 1 या सिंगल ट्रांजक्शन, ये इस तरह से क्या अरेंज रहते हैं, ये इस तरह से मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड रहते हैं 7 ट्रांसमेम्ब्रेन, 1 2 3 4 5 6 ये इस तरह से 7, ठीक है। इनका एक पार्ट होता है एन सी टर्मिनल, एक होता है एन, एक होता है सी टर्मिनल, तो एन टर्मिनल का सी डब्ल्यू एच होता है, ये अमीनो एसिड की ही एक चैन होती है, एन का होता है NH3, ठीक है, ये इस तरह से रहता है 6 7, ठीक है, इस तरह से मेम्ब्रेन को एम्बेडेड रहते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर, यहाँ जैसे ही रोडोप्सिन के ऊपर ये डार्क है तो डार्क में क्या होता है हमारा GTP जो होता है, अगर मैं लिख भी लिख देती हूँ थोड़ा सा अगर आपको विजिबल नहीं हो तो यहाँ क्या है, ये CGMP में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पर GTP फॉर्म में ही है क्योंकि यहाँ कोई लाइट नहीं आ रही है, कोई सिग्नलिंग यहाँ फंक्शन नहीं करेगी। तो यहाँ पर क्या है, अल्फा बीटा गामा मेम्ब्रेन में तीनों बाउंड फॉर्म में ही पड़े रहेंगे जी प्रोटीन्स एंड यहाँ पर क्या होता है फोस्फोडाइएस्टरेज PDEs को जो बोलते हैं, ये क्या है, ये प्रेजेंट रहता है, यहाँ ये प्रेजेंट रहेगा तो सिग्नलिंग जो है हमारी ऑफ रहती है, ये ऑफ रहती है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ क्या दिया हुआ है, जो AC है एडिनाइलेट साइक्लेस जो होता है यहाँ पर क्या है GTP CGMP एंड इसमें कन्वर्ट होती है एंड यहाँ पर क्या है हमारा जो ये पाथवे होता है ये ओपन होता है और यहाँ पर क्या है NA+ जो है हमारे अंदर की ओर आता है और जिससे क्या है हमें नाइट में भी देखने के लिए हमें जो ये पाथवे ओपन होता है ये नाइट में देखने के लिए हमें रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ही दिन होता है जैसे लाइट गिरती है, देखो लाइट GTP फॉर्म में था, यहाँ पर GTP फॉर्म में आएगा, GTP फॉर्म में ये जैसे ही आता है तो ये जी प्रोटीन जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में आते हैं, अल्फा जो होती है इनकी एक्टिवेटेड फॉर्म होती है, यहाँ फॉस्फोडाइएस्टरेज जो फॉर्म था वो क्या है यहाँ पर इसको पाथवे को ऑफ नहीं कर पाता है क्योंकि यहाँ ये GTP फॉर्म में एक्टिव रह करके ये इस पाथवे को क्या है इनिबिट कर देता है, ये जैसे ही इसको ये फॉस्फोडाइएस्टरेज को ऑफ करता है, ठीक है, जैसे ये हमारा पाथवे जो है ये ऑन हो जाता है, ये पाथवे जैसे ऑन होता है हमें क्या है ये जो चैनल बना हुआ है यहाँ पर ये क्या है ऑफ रहता है, ये ऑफ रहता है तो अंदर हमारे NA+ जो भी है कुछ भी नहीं आता है क्योंकि हमें दिन में देखना है, दिन में देखने के लिए हमारे क्या है पाथवे ऑन रहता है एंड देन हमें दिखता रहता है क्योंकि यहाँ अंदर कुछ भी नहीं आता है क्योंकि ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन यहाँ लगे हुए हैं चैनल ये क्या है पंप या चैनल को बोल सकते हैं ये ऑफ रहता है, इस तरह से ही पाथवे काम करता है। अब चलते हैं तो जीनोम ऑफ बोथ ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला कोड 4 एंड एमाइलेज दैट एक्ट ऑन द सेम सब्सट्रेट, ठीक है, ह्यूमन और ड्रोसोफिला दिए हुए कोड करते हैं एमाइलेज को और एक्ट करते हैं सेम
सबस्ट्रेट पर. हाउएवर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द जीन्स अनकॉर्डिंग द टू डिसिमिलर. यहाँ क्या है, ये कोड करते हैं जिस जीन को, वो दोनों होते हैं डिसिमिलर, लेकिन का जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है सेम. तो इस टाइप का इवोल्यूशन होता है. ये इवोल्यूशन जो होता है वो हमारे होता है कन्वर्जेंट का, क्योंकि यहाँ क्या है, ये कन्वर्ट हो रहे हैं. ह्यूमन है एक तरफ हमारे ड्रोसोफिला है. इनकी जो जिस एंजाइम का सिंथेसिस कर रहे हैं एमाइलेज, उनके लिए जो इनका सबस्ट्रेट है वो है हमारे सेम. सबस्ट्रेट क्या है इनका, सेम. बट सबस्ट्रेट सेम होने के बाद भी जिस जीन को कोड कर रहे हैं वो जीन हमारे क्या है, डिफरेंट है. तो जीन तो डिफरेंट हो गए, लेकिन ये जो कोड जो सबस्ट्रेट को यूज में ले रहे हैं वो हमारे सेम है. तो इस तरह से ये हो जाएगा कन्वर्जेंट. कन्वर्जेंट का मतलब होता है दो डिसिमिलर चीजों का एक साथ मिलना, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. डाइवर्जेंट में क्या होता है, दो सेम सेम जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उनका अलग अलग हो जाना, डाइवर्स हो जाना. डायरेक्शनल यानी एक डायरेक्शन में चलना, न्यूट्रल यानी ये आपको पता ही है. इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर जो डी सॉरी सी है, ये हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा. अब चलते हैं. ये है राउंड डांस इज परफॉर्म बाय फोरेजर बीस टू इंडिकेट द डिस्टेंस बिटवीन ए फूड सोर्स एंड थियर कॉलोनी. यहाँ ये क्या करती है, इस टाइप की जो राउंड डांस करती है हमारी बीस, ये क्या करती है, ये क्या करती है अपने फूड के लिए और अपने कॉलोनी के बढ़ाने के लिए क्या है, ये इस तरह का डांस करती है. लेकिन ये इस तरह का जब डांस करती है तो ये कितनी डिस्टेंस पर क्या है, ये इस तरह का जो राउंड डांस होता है, एक एक एगल डांस, ये क्या वेगल डांस होता है. तो ये अपने फूड और इनके लिए जो है जो राउंड डांस करती है वो कितने डिस्टेंस तक के लिए ही करती है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट दिस डिस्टेंस. तो ये डांस करती है फूड की सर्चिंग के लिए, और उससे ज्यादा डिस्टेंस जैसे ही हो जाती है तो ये हमारे क्या करती है, वेगल डांस करने लग जाती है. 50 डिग्री या 50 मीटर से ज्यादा हमारे अगर डिस्टेंस हो जाती है तो ये क्या करती है, यहाँ ये आप ये हटा देना. 50 मीटर डिस्टेंस जैसे ही ज्यादा होती है तो ये वेगल डांस करने लग जाती है फूड की सर्चिंग के लिए, और 50 मीटर से कम डिस्टेंस रहती है तब ये क्या करती है, राउंड डांस करती है. ये देखो ये बी है, इस तरह से क्या है, ये डांस कर रही है. ये देखो इस तरह से, ये इस तरह से पूरा इसका डांस है, एंड ये इस तरह से डांस कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमें राउंड डांस का जो इनकी डिस्टेंस होती है वो पूछी गई है फूड की सर्चिंग के लिए, तो वो है 45 मीटर. तो हमारे ये थे आज के क्वेश्चन. आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए. थैंक यू.